गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ये मॉर्निंग की टी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर जो है नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया है। सब्जी तो रात की ही बची हुई थी, आलू बंदा गोभी और टमाटर की, उसको मैंने गर्म किया है और गर्मा गर्म पराठा बनाया है अभी। तो दही पराठा सब्जी इनको भी नाश्ता दूँगी क्योंकि इनका मॉर्निंग शिफ्ट है, और जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक चाय हो जाएगा। और रात में मैं ये सारा कपड़ा फोल्ड करके रख रही थी बेड पे हॉल में, क्योंकि हॉल का बेड खाली ही रहता है तो उसी तरह से है। तो अभी सुबह उठी हूँ और झाड़ू पोछा और बर्तन करना होता है। कुछ हल्का फुल्का अगर बर्तन रह गया तो कोशिश करती हूँ कि नहीं ही रहे। यहाँ पर मैंने इनको नाश्ता दे दिया है। और मेरा बेटा उठा, बोला तुमने आज पोछा नहीं किया है। मैंने कहा नहीं, तो बिना वो मॉप से लगे हुए ही पोछा लेकर गया है पोछा करने, कि तुमने अभी तक पोछा क्यों नहीं किया है। और वॉइस ओवर कर रहे थे तो बेटा, नींद में ही बेटा को खांसी होने लगा। उसके बाद फिर होता क्या है, मेरा रूटीन यही होता है, उठ के झाड़ू देती हूँ, झाड़ू देने के बाद बेटी को मसाज करती हूँ, उसके बाद दो चार बर्तन जो भी हुआ धो लेती हूँ, पोछा करके नहा ही लेती हूँ। लेकिन जब मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो झाड़ू देकर मैंने मसाज किया, उसके बाद सोचा इनको अब मैं ऑफिस भेज ही देती हूँ, फिर आराम से मैं बर्तन भी धो लूँगी जो इकट्ठा होगा और पोछा भी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मसूर दाल और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर थोड़ा लगाया है, स्क्रबिंग टाइप का किया है। और जो भी बर्तन था दो चार एकड़ मैं इकट्ठा होने ही नहीं देती हूँ, जमा नहीं होने देती हूँ, तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और अब पूरा स्लैब पोछ लूँगी और ये जो अभी पराठा बनाया जो बचा हुआ आटा है इसको उठा के फ्रिज में रख लूँगी, स्लैब साफ करके उसके बाद में पोछा करके नहाने चली जाऊँगी। तो डियर, आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने बिल्कुल एक परफेक्ट ब्लाउज शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप लोगों में से किन किन ने देखा है और बनाया है और किन को फिट आया है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो गया है। तो आज मैंने सारा बेडशीट एक ही साथ धो दिया। तो यहाँ पर मैं डालने आई हूँ बेडशीट, और मौसम ऐसा किया हुआ है कि जैसे लगता है अब बारिश हो जाएगी, अब बारिश, लेकिन ड्रायर में मैंने ड्राई करके इसको डाला है और ये सूख जाएंगे तब फिर मैं इसको हॉल में और गेस्ट रूम में लगाऊंगी। बेडरूम तो मैंने सुबह ही बिल्कुल ठीक कर दिया है। जब पोछा करती हूँ, चूँकि पोछा करने का सीधा नहाने चली जाती हूँ, तो मैं मॉप्स को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये चूँकि ऑफ़र वाला था थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अगर ये दो तीन महीना भी चल जाए तो मैं समझूँगी इसका दाम वसूल हो गया। और ये देखिए, मैंने अभी कहा था कि बेडशीट डाल रही हूँ, और ये डालने के बाद मैं किचन गई थी नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए। मच्छरदानी भी मैंने आज साफ किया हुआ था। दौड़ के आई जब तक, तब तक तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुश्किल से एक बेडशीट मैंने खींचा है पिंक वाला, बाकी सब इसी तरह लगा रह गया, क्योंकि इसको उठाने के चक्कर में मैं भींग जाती। अचानक से बारिश शुरू हो गई तो मैं अभी नाश्ता बना लूँगी। और जब मैं आई बेडशीट उठाने को, मैं सामने की छत पे देखा गेहूँ वो डाली हुई थी, पूरा गेहूँ उनका पानी में भींग गया था। मैंने ही ज़ोर से आवाज़ लगाई लेकिन बारिश में किसी ने नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही आवाज़ से आए हैं, लेकिन वो बारिश में सुनी नहीं होंगी। तो फिर पूरा गेहूँ उनका भींग गया, वो किसी तरह समेट कर लेकर गई। और उसके बाद मैंने वही रूम पराठा बनाया, पराठा सब्जी ही खा लिया दही वही डाल के। और आलू मेरा ख़राब हो गया था, शायद आप लोगों से शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। तो बोतल वाला पानी मंगा कर पी रही थी। तो यहाँ पर आलू ठीक करने के लिए आए हैं, और इसमें ये बता रही है, लोग तो बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं, साइड का फ़िल्टर चेंज करिए, उसका 1100 लगेगा, मेमरन का आपका 3250 लगेगा सब। मैंने कहा आप एक मेरे से मेरा पर्सनल अगर कस्टमर बन जाते हैं तो 1000 रुपये आपको कम पड़ेगा। मैंने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने कहा नहीं अब आज ये नंबर है कल ये चले जाएगा, अगर नंबर नहीं मिला तो फिर वैसे तो कंपनी फ़ोन करेंगे तो कस्टमर केयर आके लगा देगा, अगर सारा चीज़ टेंट का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैंने कहा अब जो लगता है लगाइए, लेकिन सारा चीज़ टेंट का ही दीजिए। तो फिर ये सारा चीज़ टेंट का ही इसमें सेट कर रहे हैं। तो खाना वाना खा ही लिया था, स्लैब वगैरह तो मेरा किचन तो साफ़ रहता ही है। फिर ये आरो और दो तीन दिन से ये ख़राब था और इतनी परेशानी हो रही थी कि आदत था बार बार आरो से पानी निकाल लीजिए, लेकिन साल में इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, 5-6 हज़ार लगभग इसमें लग ही जाता है। तो यहाँ पर आरो ये ठीक कर रहे हैं, उसके बाद इनका मॉर्निंग शिफ्ट था और अचानक से मतलब कि ये ठीक हुआ, और अचानक से ये बोले कि
ये ऐसा है कि मैं आ रहा हूँ मार्केट से, लो कुछ सामान ले लो क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, संडे को निकलेंगे। फिर मैंने कहा मैं तो रेडी भी नहीं बोलने की, पानी वही पान के चलो बस रेडी होकर रहना, बस मैं पहुँच नहीं जाता। ये देखिए दोबारा तिवारा, मैंने चादर दो बार तीन बार उठा उठा करके रखा, जितना बार मैं डालती थी उतनी बार बारिश होती थी और उसे मत चढ़िए बेटा की। और अभी आर ओ ठीक करने वाले आए थे तो वो आर ओ ठीक मैंने आप लोगों को शायद बताया था या नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ, तुम बताया था 3-4 दिन पहले ही आर ओ खराब हो गया था, बोतल वाला पानी मंगा मंगा कर पी रही थी, तो आज आर ओ ठीक हो गया। और उसमें 4735 रुपया लगा, आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को भी इतना ही लगता है। और आज शनिवार था इसलिए मैंने काली साड़ी पहनी, लेकिन चूड़ी मैंने चेंज नहीं किया, वही होता है कभी रोने लगती है कभी कुछ, इस पर मत चढ़िए गिर नीचे उतरिए। और अचानक से आज उनका मॉर्निंग शिफ्ट था, जैसे कि सुबह मैंने बताया आप लोगों को, तो वो अब आ रहे हैं तो बोले कि अब समय नहीं है, अगले संडे का टिकट भी ले लिया है घर जाने के लिए, तो चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। तो अब वो आ रहे हैं ऑफिस से, तो अब हम लोग मार्केट निकलेंगे। बेटी तो मेरी सोई है, उसको भी रेडी करना है, बेटा को, बेटा तो ठीक पहना है बस, नीचे में इसका जो मैचिंग पैंट है वो पहना है। ये मत पहनो, ये पसंद ही नहीं है, बताइए क्या इसमें बुराई है, क्या ये खराब है बताइए। घर में दिन भर बनियान पहना के रखेंगे, जो उनके मन में होगा उनका बेटा है मेरा बेटा नहीं है क्या। वहाँ मुझे लगता है इसका ही ड्रेस लेने के लिए जाएंगे बाबू का, और देखते हैं क्या कुछ होता है। और वहाँ पर ना मैं जो बोलूँगी ना कि ये लीजिए वही लीजिएगा, मैं जो सिखाऊंगी, नहीं तो पापा अपने मन से खरीद देते हैं, मेरे कहने पर लीजिएगा ठीक। तो चलिए अब थोड़ा रेडी, अभी मैं कटिंग करने ही जा रही थी, ये पेपर चार्ट निकाला था, थोड़ा कटोरी कट ब्लाउज बनाती वो और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बैठता, लेकिन नहीं पता नहीं पता, चलिए मिलती हूँ मैं बाद में। ये निकला हुआ था चार्ट पेपर कटिंग करने के लिए, आर्म होल कर्व भी मेरा नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं सोचूंगी आज प्रयास करूंगी खरीदने का, यहाँ हर जगह काजल काजल लग गया है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर हम लोग नीचे उतर गए हैं, इनका फ़ोन आ गया है, मतलब बिजी शेड्यूल है उसमें ही समय निकाल कर जाना होता है, तो बेटी को लेकर जा रही हूँ, मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है, समझने लगी है कि हम घूमने जा रहे हैं, इसको उतना रैप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि अभी मानसून का मौसम है, बिन मौसम बरसात वगैरह हो जाती है, तो बच्चे को थोड़ा सा 4-5 महीने तक तो संभालना पड़ता है। और ये देखिए ये ड्रेस कैसा लग रहा है, एक ड्रेस और भी दिखाऊंगी, इसको ट्राई कर करके दिखा रही हूँ। शर्ट पैंट और वो कोट भी था, वेस्ट कोट जो होता है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने सोच लिया है, पता नहीं क्यों मुझे अब मैं एकदम सोच ली हूँ कि अब मैं बोलूँगी और जवाब दूँगी, मेरे पसंद का ये कोई लेते ही नहीं है, इनका अपना पसंद होता है। अभी बर्थडे में 2700 का सिर्फ शर्ट ले लिए, 2500 का जींस, मेरा कहना है बच्चा का बहुत तेज़ी से छोटा हो जाता है, वो रखा रहता है, पहले तो 2-3 महीना 4 महीना पहले लगता था चलिए भाई अगर हो जाता है इसका ड्रेस पहनता है, हो तो गई बहन, क्योंकि हम लोगों ने मांगा भी था बेटी ही चाहिए, इसका तो ड्रेस यूं ही रखा रहेगा। अब ये सब युग नहीं है कि कोई किसी को आप अपना पहना दे दीजिए कोई पहन ले, सब रखा रहता है और रखा हुआ है पूरा इसका भरा हुआ, और ये सारा इतना महंगा महंगा ले लेंगे, अगर एक ही कंपनी का ब्रांडेड ही लेना है उसमें भी हाई रेंज लो रेंज दिखाता है, हमें मेरा कहना है आप हाई भी मत लीजिए लो भी मत लीजिए मीडियम लीजिए। और ये मेरा सोच आज मैं आपको बता रही हूँ, कल दिन अगर मेरा चैनल बड़ा भी हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, मैं कहीं अच्छा खासा काम करने लगती हूँ, अभी तो ये जॉब कर रहे हैं ये कमा रहे हैं, तो भी मैं यही अपना रखूँगी विचार कि मीडियम में अगर इंसान शुरू से लास्ट तक चले तो सब कुछ सही रहता है। देखिए वो ब्लू वाला भी आप लोगों ने देखा, ये वाला भी देखा, ज़रूर बताइएगा कौन वाला ज़्यादा अच्छा था, मैंने कौन सा लिया है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे आप लोग कमेंट कर बताइए कि ये गाजरी कलर अच्छा लग रहा है या फिर वो ब्लू वाला लग रहा था, एक मस्टर्ड कलर भी मैंने इसको पहनाया था वो भी देखा। मैं ड्रेस भी लेने जाती हूँ, औरत लोग बहुत दूर तक सोचती हैं। और अभी आने से लगभग 15 मिनट हुआ है, बहुत लेट हो गया दुकान में, और आई हूँ बिल्कुल अड़बड़ा को, रास्ते में ये बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी मत करना, घर जाके कपड़ा भी चेंज मत करना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, चाउमीन मंचूरियन वगैरह खाया लेकिन उससे तो कुछ होना नहीं है, तो बोले तुम जैसी भी स्थिति घर की है बस पहले तुम पराठा और सब्जी मुझे बना के खिलाना,
तो मैं एकदम आई जल्दी जल्दी, मैंने आलू बॉयल आई जो पैर हाथ धोया और आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। जल्दी जल्दी बंधा गोभी काट के यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दिया है और अभी आटा मिला के रख दूंगी। वो फिर किसी काम से गए हैं, 10-15 मिनट में वो आ जाएंगे। उनको बोले, वो बोले मैं घर का ही खाऊंगा, बाहर में तो मंचूरियन चाउमीन ये सब खाया, मैं तो उतना वो सब खाया नहीं क्योंकि बाबू को प्रॉब्लम होता आइसक्रीम वगैरह, लेकिन उनको बहुत तेज़ भूख लगी है तो इतना मैंने कर दिया है। और घर की वो स्थिति है कि ये देखिए फिल्टर वाला जो चेंज करके गया है आरओ का, वो भी इसी तरह सारा सामान फेंका है। नीचे की स्थिति देखिए, ये भी एकदम इसी तरह फेंका हुआ है। और बर्तन तो ज़्यादा नहीं था, मेरी बेटी लगातार रो रही है, बर्तन तो ज़्यादा नहीं था लेकिन ये स्लैब इस तरह से भरा हुआ है, इसको ठीक ठाक करना है। और सारा चादर आज मैंने धो दिया था, एक भी चादर मैंने छोड़ा नहीं था, सारा चादर भी मैंने धो दिया था। और बारिश भी देखें आप इतना पड़ा शाम में, मैं तो बस ब्लाउज कट ही करने वाली थी, मैंने मार्क भी लगा के रखा था। ये देखिए मैंने सोचा था कटोरी कर कट ब्लाउज बनाऊंगी और मार्क लगा ही रही थी कि अचानक से उनका फ़ोन आया कि मॉर्निंग शिफ्ट है, सवेरे आऊँगा तो तुम रेडी रहो। यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा आर्म होल और गले का मार्क ही किया था और आज भी ये 3 खरीद के लाई हूँ, ये वाला इससे अच्छा होता है मार्क करके, इससे कटिंग करके ब्लाउज अगर बनाओ तो। अभी घर जाने के पहले 2 ब्लाउज और बनाऊंगी, उसके बाद अभी रुक जाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट संडे का टिकट है तो निकल ही जाऊंगी। और अभी आकर जल्दी जल्दी डबल बेड का चादर डाला है, बहुत सारा कपड़ा धोकर रखा है जो कि उसको भी पसारना है। तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और साड़ी वगैरह सामने में ही रख दिया और ये पूरा ये बिखेर दिया था, जो भी मॉल से थैला वगैरह आया था इसमें छुटकी का भी लिया है, इसका भी लिया है, अपना भी कुछ कुछ सामान है। अब मैं किचन चलूँगी, किचन की स्थिति देख ही रहे हैं। अब सारा चीज़ जब तक मैं इसको अरेंज नहीं करूँगी मुझे मेरा मन एकदम बिल्कुल अस्थिर नहीं होगा। इन्होंने कहा था तुम कुछ भी मत करना, खाना में लग जाना, तो मैंने सब्जी तो लगभग बना ही दिया है, ऊपर स्लैब से भरा हुआ है, तो सारा बर्तन जो धोने वाला होगा उसको इकट्ठा करूँगी। सारा धोने वाला ही नहीं रहता है, ऐसे भी ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, कोई कुछ लेने गया कोई कुछ है, ज़्यादातर मेरा बेटा ही परेशान मुझे करता है जब ये घर में रहता है। तो जो धोया है उसको अरेंज कर लूँगी, जो नहीं धोया है उसको धो लूँगी, उसके बाद आटा मिला लूँगी। रात में झाड़ू नहीं देना चाहिए लेकिन मैं दे रही हूँ क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है घर की। हॉल का तो बेड ठीक ही है, तो बेटा मेरा दिन में पढ़ा नहीं था, सोया भी नहीं था, अपने मन से वो बोला कि जब तक तुम खाना बनाओगी तो मैं पढ़ता हूँ, और दूध भी गर्म नहीं किया था, देखती हूँ कहीं फट ना जाए। तो बेटा हॉल में पढ़ने बैठ गया है, बेटी को भी वहीं दिया है और उस रूम को अभी ठीक करना है, गेस्ट रूम को। और एक बार मैं आटा मिला के रख दूँगी ताकि वो अगर आ भी जाए तो मैं गरम गरम पराठा बनाते जाऊँगी, उनको देते जाऊँगी, तो नीचे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि औरत लोग बहुत दूर का सोचती है, मैं अगर मैं लेने गई तो मैंने सोचा चलो दुर्गा पूजा में पहन लेगा, फिर 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, पता नहीं जाऊँगी या नहीं, ये तो बोलते नहीं जाने, अगर उसमें भी गया तो पहन लूँगी। भाई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि कपड़े रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट सेलिब्रिटीज भी करते हैं। आपने आलिया भट्ट के बारे में सुना होगा, वो बोलती हैं मैं अपना कई आउटफिट्स जो है रिपीट करती हूँ। तो ये सब मन में रख के नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल जो है मीडियम लाइफ जीना चाहिए। तो ये सब सोचकर मैंने ड्रेस लिया है, सब कुछ शेयर करूँगी डियर। और यहाँ पर मैंने सारा बर्तन धो लिया जो भी इकट्ठा हुआ था और सब्जी भी मेरा पक गया है, और अब मैं आटा मिला लूँगी और उसके बाद चलूँगी बाबू को मसाज करूँगी क्योंकि ये थोड़ा खेलती है, फिर थोड़ा सा रोने लगती है। मैंने रखा था तिल टमाटर जो है सड़ गया है, जिधर ध्यान नहीं दीजिए उधर ही काम बर्बाद हो जाता है। मुझे लगता है उसको थोड़ा सा अब आराम की ज़रूरत है क्योंकि सोई तो वो थी, जहाँ भी गए थे ऐसी में ही गए थे, सब कुछ सही था, लेकिन थोड़ा सा उसको आराम चाहिए, गोद में ही तो थी इतना देर तक, 4-5 घंटा बाहर रही है। तब मैं उसको मसाज करूँगी, उसका पूरा पोंछ दूँगी बॉडी, उसके बाद उसको एक पतला सा कपड़ा पहना के पाउडर लगा के फिटिंग करा के सुला दूँगी। तब अगर ये आ भी जाएंगे क्योंकि बहुत समय हो गया है, तब मैं बना के खिलाऊँगी, देखती हूँ अब क्या कुछ कर पाती हूँ। डियर उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस ब्लॉग को इंजॉय किया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए कभी बच्चा छोड़ के काम करना, काम छोड़ के बच्चा लेना, यही है जीवन, जीवन का ये भी एक पहलू है, ये भी ये दौर भी गुजर जाएगा। वैसे ये दौर बुरा नहीं होता, ये तो मुझे बहुत पसंद है भाई, इतना प्यारा लगता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। मैंने अपना तो कोई कपड़ा वगैरह नहीं लिया है और मैं लेने का सोच भी नहीं रही हूँ, इस बार कुछ होगा नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है। बिल्कुल कोरा साड़ी यानी कि अखंड साड़ी बिना पहने हुए, तो मैं देखती हूँ कैसे क्या, जब सब लेके जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, सब कुछ, मेरा किचन भी साफ़ हो गया, इस रूम को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बेटी को तेल लगाऊँगी
और फिर खाना पीना खा के लगभग 9:45 हो रहा है, 9 बजे तो हम लोग घर ही आए। और जल्दी जल्दी मैं काम में लगी, सबसे पहले तो मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया, आलू बॉयल होने के लिए दिया, सब्जी बन गया, आटा वगैरह सब मिला के रख लिया। अगर घर इस तरह रहता तो फिर मेरा ही मन अजीब करने लगता। तो इस रूम में भी मैंने बेडशीट लगा दी, वहाँ भी लगा दी, जिसको जहाँ सोना हो। बेडरूम तो मेरा ठीक ठाक है, आज हालत नहीं बिगड़ा है। मैं बेटी को तेल लगाऊंगी और वो आएंगे तो गर्म गर्म, क्योंकि आज वो पराठा खाने की बात की, गर्म गर्म पराठा खाएंगे, पराठा सभी हम लोग खाएंगे और सोएंगे। और उसके बाद फिर मैं कल शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए डियर, अपना ध्यान रखिएगा, आप सबको गुड नाइट, मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय, आई लव यू ऑल।